गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से मैं ट्रैवल वीडियो बनाने वाली हूँ। और क्या हुआ, हमारा प्लान बना है मैसूर, ऊटी और कुर्ग जाने का। तो अभी सुबह के 7 बजे और हम निकलने के लिए तैयार हो गए, और मैं तो बिल्कुल भी तैयार हो गई हूँ। तो सब लोग जब तक गाड़ी में सामान रख रहे हैं, तो मैं सोची आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और 2-3 दिन का प्लान है, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या बन पाता है और क्या घूम पाते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर दिखाते हैं टूर वीडियो। थोड़ा दो गाड़ी में पावर कितना पे है अभी? 75। कितना खूबसूरत आ रहा है। 85-90 बस, उससे ज्यादा नहीं जाता। नहीं जाते या आप लेके नहीं जा रहे? नहीं, वो ये स्टीप रोड में उससे ज्यादा नहीं जाता, पूरा दबा दिया। हाँ, ये चेंज हुआ कि ये सब मैक्सिमम गया वो है। अभी हम मैसूर जाने के रास्ते में हैं और हाईवे पे हैं। रास्ते में एक जगह हमने वो गाड़ी रोककर कुछ ब्रेकफास्ट भी किया था, इडली डोसा वो सारे खाए थे, टी कॉफी लिया था। अभी मैसूर पैलेस, पैलेस है ना, मैसूर पैलेस जाने से पहले एक मंदिर है, तो हमने प्लान किया उस मंदिर में जाने का। तो वो अभी कुछ 10-12 किलोमीटर और यहाँ से डिस्टेंस है। तब तक रास्ते में हमने थोड़ा रोक लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक और टी कॉफ़ी ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे फिर यहाँ से। गर्मी बहुत है बाहर। अरे जो ये कलरफुल वाला है ना, हाँ ये कलरफुल वाला तो तमिलनाडु में है। ये दोनों, इसका भी नाम यही है, अच्छा, रंगनाथा स्वामी टेम्पल। रंगनाथा स्वामी टेम्पल आए थे हम गूगल में देखकर यहाँ देखने, वो तो वहाँ तिरुचिपल्ली में है। तो पहुँच गए हैं। अभी चलते देखते हैं मंदिर कैसा है। सीट बेल्ट मेरा, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जो मंदिर के बाहर ये नारियल पानी वाला दिख गया हमें, तो हमने सोचा पहले नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाएंगे। पता नहीं मंदिर में कितना टाइम लग जाए हमें। तो मंदिर के बाहर बेच रहा था, लेकिन इतना महंगा भी नहीं था, 35-35 के दे रहा था। और ये मंदिर का खूबसूरती, श्री रंगनाथन टेम्पल, ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और इसके अंदर विष्णु भगवान लेटे हुए मुद्रा में हैं। और ये मंदिर बेंगलोर से 125 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस मंदिर से मैसूर की दूरी है 16 किलोमीटर। तो हम आ गए यहाँ मंदिर में, और अब एंटर करेंगे मंदिर के अंदर। और ये मेन मंदिर का गेट है, जो बाहर से इसकी बनावट काफ़ी खूबसूरत है। ये अभी हम ये मंदिर पहुंच गए, और बोल रहे हैं यहाँ पे ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और ये बहुत अच्छे से पिलर पिलर बने हुए हैं। अभी देखते हैं भगवान किधर हैं, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ पिलर पिलर ही दिख रहा।
अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और इन्होंने बोला डायरेक्ट वीआईपी एंट्री का 50 रुपीज़ है, सो हमने लाइन में लगा हुआ है। उनको अलग कर दिया, बाकियों को पीछे से ही बंद कर दिया। और ये मंदिर के बाहर मार्केट है जहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, सजावट की, कुछ ज़रूरत की, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। और यहाँ पे अंदर पूजा के लिए जाते हुए फूल, तुलसी माला, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, टी कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ। और यहाँ आप पैसे देकर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। मैं पीछे दिखाने का कोशिश कर रही हूँ पर पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। यहाँ रंगनाथन मंदिर से हम लोग निकल गए हैं और इतनी गर्मी है इधर, जल्दी से आके हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। बहुत गर्मी लग रही, इतना पसीना पसीना हो रहा, बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा। और अंदर वो लेटे हुए विष्णु भगवान का वो है, मूर्ति है, तो काफ़ी घूम घूम कर जाना पड़ा। इसमें 50 रुपीज़ का टिकट भी था जो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि मैं लाइन नहीं है तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, तो हम ऐसे ही सोचे कि बिना लाइन का ही चले जाएंगे, नहीं लाइन में चले जाएंगे, लेकिन अंदर गए तो काफ़ी लाइन थी। और फिर बहुत घूम घूम कर जाने के बाद मेन मंदिर में पहुँचे जहाँ विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और बहुत खूबसूरत जो मूर्ति बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है भगवान। और मैंने चुपके से एक वीडियो लिया, वहाँ वीडियो लेना मना था, वीडियो फोटोग्राफी करना मना था तो मैंने कैसे मेरे साथ एक यूट्यूबर तो यूट्यूबर से तो और भी नहीं लेने देता कहीं, तो मैं वहाँ लिखा हुआ था और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, फिर भी मैंने चुपके से एक वीडियो लिया और वो आ गए सीसीटीवी में देखकर आ गए और मुझसे मेरा कैमरा मांगने लगा, मोबाइल छीनने लगे, तो हमने मोबाइल तो नहीं दिया। क्रोम खोलो रुको, किसने खोला है? तो ये तो गूगल में, मतलब गूगल का वो है क्रोम ना। लेकिन मैंने उनके सामने वो वीडियो डिलीट कर दी, पर मैं रिकवर करने का कोशिश करूंगी। एक छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है, मिल गया तो मैं दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं ये वीडियो यही एंड करूंगी क्योंकि हम कई चीजें घूमने वाले हैं और सारी चीजें घूमने के लिए मतलब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 2-4 घंटे की हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ पार्ट पार्ट में डालूंगी वीडियो। तो इस मंदिर का जो भी छोटा छोटा वीडियो, इस गर्मी में तो नहीं चढ़ पाएंगे 1000 सीढ़ी वाला मंदिर, हाँ वहाँ जाएंगे गार्डन में। तो अभी यहाँ पे ना डिसाइड हो रहा है कि
यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो वही गूगल पे सर्च किया जा रहा। और मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ जहाँ हम फोर्ट जाएंगे या कहाँ जाएंगे, फिर मिलती हूँ। से लेने को बोल रहा है ना, हाँ हाँ यहीं से।